हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इनमें, क्या वेट लॉस की डाइट सस्ती हो सकती है, लो बजट हो सकती है, हम घर की चीज़ों से वेट लॉस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, वो भी हाई प्रोटीन डाइट कर सकते हो, जिसमें टिल इवनिंग आपको बहुत सारा प्रोटीन भी मिल सकता है घर बैठी चीज़ों से। एंड उसके साथ साथ अगर आपके पैसे आप स्पेंड नहीं करना चाहते, या फिर आपके पास पैसे है ही नहीं और आप मोटे होते जा रहे हो ये सोच कर कि वेट लॉस जो है वो एक रहीसी का शौक है या फिर कोई रहीस बंदे इसको अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा टोटली मिथ है, टोटली रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ अ लो बजट डाइट, सिंपली समर का एक सिंपल लो बजट डाइट, जिसको करने से आप इजीली लूज कर सकते हो 7 से 10 किलो एक महीने के अंदर। एंड ये जो डाइट है ये बिल्कुल फ्री टाइप डाइट है, जो कि आपके घर पे पड़ी हुई चीज़ों से बनती है। एंड इसको करने के साथ साथ आपको लथार्जिक फील नहीं होगा, एनर्जी फील होगा, क्योंकि ये रिच इन प्रोटीन है। सोचा है कभी कि बिना महंगी चीज़ें अफोर्ड किए आप प्रोटीन रिच डाइट घर पर ही कर रहे हैं? ये जो डाइट है इसको करने का सिंपल मेथड ये है कि आपको 2-3 चीज़ें बाय करनी पड़ेगी। नंबर 1, आपकी वेइंग मशीन, आपको वेट चेक करना है ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो एवरी सिंगल डे, सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद विदाउट क्लोथ्स ऑन योर बॉडी। सेकेंड इज़, आपने अपना वेट चेक करने से पहले ऊषापान एंड कुकड़ू पोजीशन में बैठना, विच इज़ दिस पोजीशन। ये करना आपको 15 मिनट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर फीमेल देन दिस इज़ मस्ट मस्ट फॉर यू। फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, आपका PCOD क्योर होता है, एंड सबसे अच्छी बात, अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो बहुत जल्दी कंसीव कर जाते हो। नेक्स्ट, अब आपको नींद पे ध्यान देना, आपके 7 से 8 घंटे की नींद एब्सोल्यूटली इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोकस, स्टे पॉजिटिव, एंड जितने नेगेटिव लोग हैं उनको अपनी लाइफ से बाहर करना है। स्टार्ट करते हैं लो बजट डाइट, चलते हैं किचन में और बनाते हैं मॉर्निंग ड्रिंक। ना मॉर्निंग ड्रिंक के लिए यहाँ पे आई रियली वांट टू गिव यू अ 3 ऑप्शंस। नंबर 1, सौंफ का पानी। सौंफ हर किसी के घर में मिलती है और बहुत सस्ती मिलती है। नींबू पानी, नींबू आराम से मिलता है मार्केट में और बहुत सस्ता मिलता है, चाहे वो समर हो चाहे वो विंटर हो। नंबर 3 आता है आपके पास कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता की टी, मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी है। एंड नंबर 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके लिपिड प्रोफाइल बहुत ज़्यादा डैमेज है, इट्स अ गार्लिक, जो हमारा लहसुन होता है उसको च्यू करना थोड़ा सा और उसके ऊपर से पानी पीना। सो ये है हमारे मॉर्निंग ड्रिंक। और सौंफ का पानी और नींबू पानी कैसे बनाना है, चलते किचन में। पहली ड्रिंक हम यहाँ पे बना रहे हैं ओवरनाइट सोक्ड वाटर। ये रहा सौंफ 1 चम्मच जितना मैंने डाला मेरे ग्लास में। इसके अंदर मैं डालूंगी 1 गिलास गर्म पानी, क्योंकि गर्मियों में सुबह सुबह उठ के गर्म पानी सीरियसली नहीं पिया जाएगा किसी से भी। गर्म पानी के अंदर ये जो सौंफ है ओवरनाइट सोक करके हम रख देंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग ये सौंफ च्यू करेंगे और नॉर्मल टेम्परेचर का पानी हम पिएंगे। सबसे फर्स्ट ड्रिंक ये है, एंड आई एम श्योर सौंफ जो है वो हर किसी के घर पे है। नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पर मॉर्निंग ड्रिंक के लिए, आपके पास ये लिया मैंने 1/2 कप जितना गर्म पानी। इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा लेमन, ये निचोड़ दिया मैंने जी, नींबू 1/2 इसमें डाला, एंड ये रहा मेरा गरम लेमन वाटर मॉर्निंग का रेडी। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं यहाँ पे लो बजट ब्रेकफास्ट की। नाउ ब्रेकफास्ट में हमें क्या ऐसा लेना है जो कि हमारे को एनर्जी दे, फुल रखे, एंड हम मॉर्निंग में फैट्स भी लेना चाहते हैं, कार्ब्स भी लेना चाहते हैं और थोड़ा बहुत प्रोटीन भी बॉडी में डालना चाहते हैं। बेसन हर किसी के घर पे होता है, मेरे चैनल पे मिस्सी रोटी की रेसिपी है, मेरे चैनल पे मिक्स वेजिटेबल्स की रोटी की रेसिपी है, आप इन दोनों में से कोई भी पिक कर सकते हो। आपको स्पेशली अपने लिए महंगे आटे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेसन और गेहूं को मिक्स करके या बेसन और जौ को मिक्स करके आप आराम से अपनी रोटी बना सकते हो। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं चीले की। हर किसी के घर में दालें रहती हैं, हर किसी के घर पे आप मिक्स दाल का चीला ले सकते हो, दालों के चीले ले सकते हो, किसी भी दाल का चीला आपका बिल्कुल गुड टू गो चलेगा। एंड उसके साथ आप 1 कटोरी दही ले सकते हो या फिर अपनी कोई भी नॉर्मल ग्रीन टी ले सकते हो। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट का जो टाइमिंग होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 9:30 से पहले पहले, समर्स का मिड ब्रेकफास्ट होना चाहिए 11 o'clock से पहले पहले। नाउ मिड ब्रेकफास्ट के अंदर मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगी कोई भी सिंपल फ्रूट जो मार्केट में मिल रहा हो सीजनल और जो बजट का हो। फॉर एग्जांपल, इस मौसम में सबसे सस्ता मिल रहा है संतरा, संतरा बहुत अच्छे से मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, आप वो ले सकते हैं, और उसकी जो पील है उसकी टी जो हम बनाएंगे इवनिंग में। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की। नाउ मिड ब्रेकफास्ट में सबसे सस्ता फ्रूट इस समय मुझे ये मिल रहा है संतरा, इसके हम पील की टी बना लेंगे इवनिंग में। एंड यहाँ पे हम जो ऑरेंज खाएंगे इसका पील हम रखेंगे। बेस्ट पेस, अगर आप ऑरेंजेस खा रहे हो समर में, इसके जो पील है ना उसको संभाल के रखो या फिर उसको ड्राई कर लो, उससे स्किन का स्क्रब बहुत बहुत अच्छा बनता है।
इसकी जो पील की टी बनती है वो द बेस्ट टी बनती है, द बेस्ट टी फॉर योर इंच लॉस, इसमें इसकी जो टी बनती है। एंड ये ऑरेंज जो है हम खाएंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लंच की। नाउ लंच में यहाँ पे मैं आपको देना चाहूँगी एक ऐसी रेसिपी, कैप्सिकम की शिमला मिर्ची की रेसिपी, जो कि बहुत सिंपल है बनाना और शिमला मिर्ची बहुत सस्ता मिलता है। कैसे बनाना है शिमला मिर्च टमाटर की रेसिपी, चलते हैं किचन में। यहाँ पे हम बना रहे हैं लंच की रेसिपी, ये है कैप्सिकम बीन्स एंड टमाटर की सब्जी। सबसे पहले मैंने ले लिया है आधा चम्मच जितना तेल, तेल नाम मात्र जितना लेंगे, सो बहुत ही कम तेल मैंने यहाँ पे लिया है। इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा जस्ट एक चम्मच, देख रहे हो, एक चम्मच जितना बेसन। इसको बहुत अच्छे से मैं पकाऊंगी, जस्ट भूनना है हल्का सा। जैसे ये हमारा भून जाएगा, ये रहे मेरे टमाटर, मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी। थोड़ी देर टमाटर और बेसन को अच्छे से मैं पकने दूंगी, उससे पहले मैं इसमें डालूंगी थोड़े से मेरे मसाले। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ मेरा हल्दी पाउडर, नेक्स्ट थोड़ा सा मेरा नमक, नेक्स्ट इसके अंदर थोड़ा सा मेरा सूखा धनिया पाउडर मैं डालूंगी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हल्की सी मैं इसमें डालूंगी मेरी कस्तूरी मेथी। अब इन सबको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी एंड इसको पकने दूंगी, तब तक मसाले सारे मेरे इसके अंदर पक जाएंगे। ओके, ये बिल्कुल रेडी है मसाला मेरा। इसके अंदर मैं डाल दूंगी मेरी एक बड़ी कटी हुई शिमला मिर्ची, छोटी आपके पास तो दो डालेंगे, बड़ी है तो एक डालेंगे। आपको एक टिप बताती हूँ कि लोगों को शिमला मिर्ची से गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है, पहले इसको गर्म पानी में भिगो 10 मिनट के लिए, उसके बाद इसको काटो, काटने के बाद दोबारा गर्म पानी में धो उसको, एक रुपए की भी गैस नहीं बनेगी। इसको अब हम मिक्स करेंगे अच्छे से, अब 5 मिनट के लिए और इसको हम पकाएंगे सिम आंच पे। एंड हियर वी गो, एब्सोल्युटली रेडी, एंड इट्स सो चटपटा एंड इट gives you a chatpata wala taste and it's really really yummy। Next अब हम बात करते हैं और अदर ऑप्शंस की लंच की। घिया का रायता ले सकते हैं, कुकम्बर का रायता ले सकते हैं, बीटरूट का रायता ले सकते हैं, तीनों रायते की रेसिपीज मेरे चैनल पे हैं। अगर आप रायता नहीं लेना चाहते, आप उसके अलावा भी ले सकते हैं पनीर से रिलेटेड रेसिपी, मेरे चैनल पे बहुत सारी पनीर की रेसिपीज हैं। पनीर घिया की रेसिपी है, पनीर मखाना की रेसिपी है, प्याज पनीर की रेसिपी है, बीन्स तोफू की रेसिपी है। पनीर आप नॉर्मली घर पर बना सकते हैं, 1 किलो या फिर आपका आधा किलो दूध में आपका 50 ग्राम्स पनीर आराम से बन जाता है, एंड वो अपनी डाइट में आप ऐड कर सकते हो एवरी सिंगल डे लंच में। मान लो कि अगर ये भी बनाने का मन नहीं है, आपके पास लंच में घर में बहुत सारे घरों में राजमा, ब्लैक चना और लोबिया या सफ़ेद चना बनता ही बनता है। जब वो बॉयल होता है, जब सब्ज़ी बनने से पहले, आप उसकी चाट बना सकते हो अपने लिए घर पर। चाट कैसे बनानी है उन सब की रेसिपीज मेरे चैनल पर है, सबका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इवनिंग टी की। मेरे चैनल पे रिसेंटली मैंने डाला था कीनू पील टी, कीनू का पील टी ले सकते हैं। कीनू अगर आपके पास नहीं मिल रहा है, संतरा जो हमने मिड ब्रेकफास्ट में खाया था उसी की पील को हम यूज़ करके हम ये वाली टी बना सकते हैं, और उसके साथ हम ले सकते हैं हैंडफुल ऑफ भुना चना, विच इज़ टोटली इन बजट एंड लो इन कॉस्ट। आप मुरमुरा भी ऐड कर सकते हो, अगेन विच इज़ लो इन कॉस्ट एंड बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिनर की, विच इज़ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट समर्स में। इसमें मैंने रिसेंटली अपने चैनल पे आइसक्रीम्स की रेसिपी डाली थी, जिसमें मैंगो एंड कोकोनट की रेसिपी डाली थी। मैंगो इन सीजन है और सस्ते मिल रहे हैं बहुत आराम से, आने वाले टाइम में ये और सस्ते हो जाएंगे। मैंगो और कोकोनट की आइसक्रीम का 2 स्कूप आप ले सकते हो। सेकंड, मेरे चैनल पे बॉयल्ड वेजिटेबल्स के वाटर हैं, घिया का उबला हुआ पानी, बॉयल्ड वेजिटेबल्स का पानी, एंड उसके अलावा आप यहाँ पे डिनर पे ले सकते हैं शीरा। मेरे चैनल पे बहुत सारे शीरास की रेसिपीज़ हैं, वो सारी की सारी बजट फ्रेंडली है, आप वो उनमें से कोई सा भी शीरा ले सकते हो। अगर आपको शीरा लेने का भी मन नहीं है, आप टमाटो सूप ले सकते हो, विच इज़ अगेन इन बजट। बट अगर आपको वो भी लेने का मन नहीं है, आपको इन सारी रेसिपीज़ में से कुछ भी नहीं लेना, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, आप घिया और वाइट पेठे का जूस का 1 गिलास पीकर सो सकते हो। डिनर का जो टाइम होना चाहिए वो 6 o'clock मैक्स होना चाहिए, 6 बजे के बाद मैं नहीं चाहती कि आप लोग कुछ भी खाओ, कुछ भी डालो अपनी बॉडी के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाइट ड्रिंक। नाइट ड्रिंक के अंदर हम लेंगे त्रिफला पाउडर।
आधा चम्मच त्रिफला पाउडर आधे कप पानी में मिक्स करके एंड इट्स गुड टू गो, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम बात करते हैं नाइट ड्रिंक की। यहाँ पे मेरे पास है त्रिफला पाउडर, कोई भी ब्रांड का त्रिफला पाउडर आप ले सकते हो। कितना लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। पिंच लिया, ठीक है। इसके अंदर डालेंगे हम आधा कप गरम पानी, उसका शॉट बनाना बेसिकली, दैट्स इट। मिक्स 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 एंड इट्स रेडी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने हर चीज़ अब ट्राई कर रखी है, आपके साथ नहीं हो पा रहा, एक सिंपल सा टिप मैं आपको देती हूँ। पहले आप बहुत सारा खा लो, जितना भी खाने का मन है, जो भी आपकी क्रेविंग्स है आप उसको ख़त्म कर लो, और उसके बाद आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर जाओ। जब आप इतना सारा खा लोगे ना, अक जाओगे कि यहाँ तक पूरा का पूरा, कि यार अब मैं और क्या खाऊँ। आप एक वीक लो, उसमें पूरा लिस्ट बनाओ कि मुझे किन किन चीज़ों की क्रेविंग है, मुझे क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, कौन कौन से कैफ़ेज़ में जाना है, कौन कौन से छोले भटूरे खाने हैं, कहाँ कहाँ का मुझे रसमलाई और रबड़ियाँ खानी है, और कहाँ कहाँ के मुझे शेक्स पीने हैं। वो सारी लिस्ट बना लो, एक वीक पूरा लो जिसमें आप वो सारी लिस्ट कवर करते चले जाओगे, एंड उसके बाद आप अपनी डाइट करना। मतलब कि पाँचवें दिन के बाद आपका खुद का मन नहीं करेगा कि मैं बाहर का कुछ खाऊं, या अब मैं अपनी बॉडी पे वर्क करूं। ये एक बेस्ट टिप है वेट लॉस करने की। मेरी कोई क्लाइंट है, मैं आपको एक केस स्टडी बताती हूँ, उसका मन नहीं होता डाइट करने का, वो चाहती भी है बट वो उसका मन भी नहीं होता। तो मैंने उसको बोला एक वीक तेरे पर खुली छूट है, जाके जितना खाना है खाओ, जो मर्जी खाना है खाओ। वो दूसरे दिन ही अक गई कि मुझे डाइट करा दो। आप लूज दे दो अपनी बॉडी को ना, खा कितना खा सकते हो खाओ। एक स्टेज के बाद आपकी बॉडी गिव अप कर देगी, मुझे नहीं खाना। सो या दैट्स इट, एंड आई विल सी यू सून, एंड लेट मी नो किन किन लोगों ने कितना केजी लूज करा विद दिस डाइट, एंड आई विल सी यू सून ऑन संडे। संडे को मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए, इफ यू गाइज क्विट शुगर फॉर 15 डेज, आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। टेक केयर जी, बाय बाय।